रहा हूं कि सर आप हमारी मदद कर सकते हैं, आप कृपया हमारी मदद कीजिए और अस्पताल में लोगों को ताकि ऑक्सीजन मिल जाए। ऑक्सीजन की कमी के कारण अस्पताल में जो हालत बने हुए हैं वो अब देखे नहीं जाते, लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं सर। पूरी पूरी रात हम सो नहीं पाते, नींद नहीं आती। इनका मुख्यमंत्री होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा, डर लगता है कि ऑक्सीजन की कमी से कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। ईश्वर ना करे अगर ऑक्सीजन ना मिलने से कुछ अनहोनी हो गई तो हम सब कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। प्रधानमंत्री जी, कोरोना से देश को बचाने के लिए एक नेशनल प्लान बनना चाहिए। इस नेशनल प्लान के अंतर्गत देश के सभी ऑक्सीजन प्लांट्स को तुरंत आर्मी के जरिए केंद्र सरकार टेक ओवर करे। ऑक्सीजन प्लांट से निकलने वाले हर ट्रक के साथ एक आर्मी का एस्कॉर्ट व्हीकल रहेगा तो कोई उस ट्रक को फिर आगे रोक नहीं पाएगा। सर, दिल्ली का जो ऑक्सीजन का कोटा आपने बढ़ाया, हम उसके बड़े शुक्रगुजार हैं, लेकिन उसमें लगभग 100 टन ऑक्सीजन उड़ीसा और वेस्ट बंगाल से आनी है। हम परसों से, जब से कोटा बढ़ा है, हम कोशिश कर रहे हैं उस ऑक्सीजन को दिल्ली लाने की। मेरा आपसे निवेदन है कि यहाँ से ऑक्सीजन अगर हो सके तो हमें हवाई जहाज से उपलब्ध करवाई जाए, और नहीं तो जैसा अभी बताया गया आपका आइडिया है ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू करने का, वो ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू करके वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से हमें ऑक्सीजन दिलवाई जाए। आइडिया नहीं, ऑलरेडी चल रहा है। सर दिल्ली तक नहीं पहुंच पा रही हमारी, दिल्ली तक नहीं आ रहा। उसमें अगर हमें दिल्ली के लिए भी कॉरिडोर मिल जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी सर। आपने दो तीन जगह तो कर दिया सर, आपके इंटरवेंशन से मुझे पता चला, एक दिल्ली के लिए और करा दीजिए सर। यहाँ की हमारी 100 टन ऑक्सीजन उधर से आनी है। प्रधानमंत्री जी, वैज्ञानिकों ने इतने कम समय में जो वैक्सीन बनाई है इसके लिए हमारे वैज्ञानिक साधुवाद के पात्र हैं। आपने इसमें जो प्रयास किए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम सब लोगों को मिलके कम से कम समय में अपने नागरिकों को ये वैक्सीन लगवानी चाहिए। इसमें केंद्र और राज्य सभी सरकारों को हमको मिलके काम करना है। अभी सर केंद्र सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि 1 मई से राज्य सरकारें सीधे कोरोना वैक्सीन खरीद सकती हैं। इसके बाद एक वैक्सीन की कंपनी ने अपने रेट जारी किए हैं कि वो केंद्र सरकार को 150 रुपये में और राज्य सरकारों को 400 रुपये में देंगे। सर, एक ही देश में एक ही सामान के दो रेट कैसे हो सकते हैं? वन नेशन वन रेट होना चाहिए, सारे देश को एक ही दाम पे वैक्सीन मिलनी चाहिए। अगर देश एक है तो वैक्सीन का दाम भी तो एक ही होना चाहिए। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि केंद्र सरकार को राज्य सरकारों को एक ही रेट पे वैक्सीन मिले। जिस रेट पे केंद्र सरकार को वैक्सीन मिल रही है उसी रेट पे राज्य सरकारों को भी वैक्सीन मिलनी चाहिए। सर, हर एक जान हम सब लोगों के लिए कीमती है, हमें ये एहसास हर भारतीय को इस वक्त कराना होगा। इसलिए मेरा मानना है कि देश में सबको दवाई, सबको वैक्सीन और सबको ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, और बिना किसी विवाद और बिना किसी रुकावट के ये मिलनी चाहिए। मेरा विश्वास है देश में अगर कोरोना के खिलाफ एक नेशनल प्लान होगा तो हम सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलके इस दिशा में काम करेंगे। सर, कोरोना की वजह से दिवंगत आत्माओं को शांति मिले। एक मैं कहना चाहूंगा, हाँ जी सर। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है,